पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और बड़ी खबर उनके क्रिकेट के रिवाइवल के लिए बहुत जरूरी था। जी हां, आपको पता ही है कि वेस्ट इंडीज की टीम ने ओडीआई अब दौरा जो था वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और अब वो अगले साल जून में होगा। लेकिन जो बड़ी राहत की खबर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वो ये है कि अब अगले साल यानी कि 6 महीने के अंदर में ही दो बार दौरा करेगी न्यूजीलैंड की टीम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात का खुलासा किया है कि न्यूजीलैंड की टीम अगले साल 2 दफा पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है, जिसमें कि वो टेस्ट मैचेस भी खेलेंगे, ओडीआई भी खेलेंगे, टी20s भी खेलेंगे। सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम जब जाएगी खेलने के लिए वहां पर 2 टेस्ट मैचेस और 3 ODI खेलेगी दिसंबर जनवरी में 2022-23 में। उसके बाद फिर 2023 में 5 ODI और 5 T20 मुकाबले खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी न्यूजीलैंड की टीम। आपको पता ही था पहले से कि न्यूजीलैंड की टीम ने बीच में ही दौरा छोड़ करके वो चली गई थी, उसके बाद इंग्लैंड भी नहीं गया पाकिस्तान खेलने के लिए थ्रेट की वजह से। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है दिसंबर जनवरी से लेकर के अप्रैल तक 2022-23 में वो दौरा 2 बार करेंगी, जहां पर 2 टेस्ट मैचेस भी होगा और टी20 भी खेला जाएगा, ODI सीरीज भी खेली जाएगी। तो एक बड़ी अच्छी खबर पाकिस्तान क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए है, ताकि क्रिकेट की जो है वापसी पाकिस्तान में लगातार अब होती चली जा रही है। आपको कैसी लगी खबर ये? वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।